सर्व शिक्षा अभियान के तहत गोरखपुर के ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने गुरुवार को बांसपुर समुदाय के लगभग 110 बच्चों को निःशुल्क पुस्तक, यूनिफॉर्म और स्कूल बैग वितरित किया। इस मौके पर बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएन सिंह, गोरखपुर की पूर्व महापौर अंजू चौधरी, खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र ब्रह्मचारी शर्मा और बसंतपुर प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका नाज बानो सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बसंतपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बातचीत करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नित नए दिन ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया हो, इसको लेकर आज बांसपुर समुदाय के बच्चों को निःशुल्क पठन पाठन सामग्री वितरित किया गया है। इस मौके पर बीएसए बीएन सिंह ने कहा कि महानगर में सर्व शिक्षा अभियान पर काफी जोर दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग का निरंतर प्रयास है कि एक भी बच्चा इस अभियान से वंचित न रहे। आज प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापिका हो गया काफी माननीय मुख्य अतिथि गोरखपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विपिन सिंह जी द्वारा दिया गया सामने देखो सभी लोग ऐसे हाथ लगा के यहाँ देख लिए बच्चों के लिए साइज है, एक दो तीन वालों के लिए ना, जैसा ये लोग कहें बच्चों को बैठा के करवा दे। हाँ, अरे पाँच मिनट बैठे नहीं, लेकिन व्यवस्था हमारी चल रही है और वो दिनों प्रतिदिन प्रगति की तरफ अग्रसर है। अभी मैं दो विद्यालय से आ रहा हूँ, जीतपुर और बरहुआ, वहाँ हमारे बच्चों की उपस्थिति एक जगह 210 थी और एक जगह 198 थी। और तीसरा ये विद्यालय है आप जिसको स्वयं में देख रहे हैं, वहाँ भी सरकार की मंशा के अनुसार ड्रेस, पाठ्य पुस्तक, बैग वितरण हुआ है। हम दो जगह करके आए, यहाँ माननीय विधायक जी के कर कमलों द्वारा संपन्न होगा। और हमारी बेसिक व्यवस्था, वो भी गोरखपुर की व्यवस्था, आज की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है और सुधार की तरफ अग्रसर है। जैसा कि आपने 2 तारीख को ही देखा कि लगभग 50% विद्यालयों पे पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस, बैग का वितरण हो चुका था। और यह मेरा लक्ष्य है माननीय विधायक जी के सौजन्य से और इनकी मनसा के अनुसार, आपकी मनसा के अनुसार सरकार की जो योजनाएं हैं वह समयांतर्गत उसको हम पूरा कर लेंगे। और हमारे शिक्षक पूरी मेहनत, लगन से, समय से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इसी विद्यालय में हम लोग बेसोध पूरा कंप्लीट वितरण किए थे, जूता, मोजा, टाई, सब कुछ था, पैंट शर्ट। तो अब की साल भी यहाँ हम लोग वो करने आए हैं। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी ने नगर क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों को
मेज और स्टूल सबको दिया है, उसका शुभारंभ हो रहा है। हम आपके माध्यम से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी को ढेर सारी बधाई देंगे कि पूज्य महाराज जी ने एक नेक कार्य के लिए छोटे छोटे बच्चों को, कम से कम जो आज़ादी के बाद से नीचे बैठते थे, टाट पर बैठते थे, आज उनको बेंच और स्टूल नसीब हो रहा है। इसके लिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी बधाई देंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक ऐतिहासिक सुधार हुआ है, प्राथमिक विद्यालयों में आप देखें बहुत आए, हर जगह करीब करीब बहुत अच्छी संख्या में लोग अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज रहे हैं। यह हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश सरकार का प्रयास है जिससे हमको इसमें सफलता मिली। उसके साक्षी हैं हमारे प्रेस के भाई सभी साक्षी हैं कि प्राथमिक विद्यालय में जो स्थिति थी, लोग बच्चों को स्कूल भेजते नहीं थे, मिड डे मील भोजन की व्यवस्था ठीक नहीं थी। आज तो आप देखेंगे हर विद्यालय में मिड डे मील के माध्यम से खाना भी मिल रहा है, बच्चों को पौष्टिक आहार मिल रहा है। तो इससे सुधार बहुत हुआ है, ऐतिहासिक सुधार हुआ है हर क्षेत्रों में। आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में भी देखेंगे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हर जगह सुधार हो रहा है, चाहे महानगर में, चाहे जल निकासी के लिए, चाहे सड़कों के लिए, चाहे जो कुछ भी है, हर तरफ ऐतिहासिक सुधार हो रहा है।